वेलकम बैक टू स्टॉक्स पर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 5.15 पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। फ्राइडे के दिन में 31.5 पैसे ऊपर क्लोजिंग दे चुका था, 0.98% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था विकास लाइफ के लिमिटेड स्टॉक। तो विकास लाइफ के बाकी के डिटेल भी देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन की बात की जाए तो एक 1% ऑफ था। तो यहाँ पे मार्केट कैप 628 करोड़ की है विकास इकोडेक्स विकास लाइफ के स्टॉक की। पी रेशो भी अच्छा खासा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 16.61 का है। तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। उसी के साथ 5 दिन की मूवमेंट देखोगे तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर तकरीबन 5% से ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन लास्ट 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में भी आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 14% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। लास्ट मंथ में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, पर इस मंथ में फिर से गिरावट यहाँ पे देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे विकास लाइफ के स्टॉक का चार्ट पे नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि विकास लाइफ के 5.25 लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल बनी थी। जैसे उसको ब्रेकआउट दिया तो और गिरावट देखने को मिली नीचे के साइड तेजी से। तो यहाँ पे देख सकते कि 5 लेवल पे फ्राइडे के दिन सपोर्ट लिया था, जबकि वो सपोर्ट को ब्रेकआउट देता है 5 लेवल के तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन 4.72-4.50 लेवल तक फिर से नीचे जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे। पर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है जो कि यहाँ पे 4.80 के करीब है, जहाँ पे सपोर्ट 1 है, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्टिव रहेगी विकास लाइफ के स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट विकास लाइफ के स्टॉक के लिए।